अब देसी, हम तो देसी रह रहे हैं, हमें तो ज्यादा पता भी नहीं है। तो मेरे जहन में वो शोले फिल्म, आपने देखी शोले? जी देखी हुई बिल्कुल। शोला? शोले फिल्म मेरे जहन में आने लग गई बीच में। और उसके उसके एक कैरेक्टर जो है वो गब्बर सिंह। जी अच्छा, अब गब्बर सिंह जो है वो मेरे जहन में आ रहा है, और गब्बर सिंह जो है अब क्यों, उसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे गब्बर सिंह जहन में आ रहा है। गब्बर सिंह बैठा हुआ एक जगह पे और उसके सामने, अच्छा फिर वो चूंकि जहन कुछ कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, फिर सियासत पे आ जाता है, फिर वो गॉडफादर पे, मैं इंसान हूं ना तो जहन। अब वो गब्बर सिंह बैठा हुआ है, फिर सामने जो दानियाल अजीज साहब आ जाते हैं अचानक, वो चलते हुए आ रहे हैं, गब्बर सिंह इधर, गब्बर सिंह बैठे हुए, दानियाल अजीज साहब आए, फिर गब्बर सिंह बोला कितने आदमी थे, वो कह रहे सरदार दो। अच्छा फिर इधर से कह रहे, अच्छा गब्बर सिंह फिर कह रहे, अच्छा वो दो थे, और फिर दो चार गालियां गब्बर सिंह कह रहा है कि और फिर भी खाली हाथ आ गए। अच्छा मतलब वो इस किस्म का कोई एक माहौल सियासत और शोले फिल्म का। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है जी कि उसमें इस तरह की फिल्मों में होता है, एक अजय विजय वो थे ना करेक्टर्स उसमें थे, धर्मिंदर अमिताभ बच्चन वो सारे, अरे गब्बर सिंह करेक्टर था, एक ठाकुर थे, ये सारे थे। लेकिन इस पिक्चर में कोई गड़बड़ ऐसा हो गया है, कोई सारी जो मौजूदा शोले चल रही है जिसमें ठाकुर, गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन, वो धर्मेंद्र, सारे के सारे मिलके बसंती को बचाना जा रहे हैं, बसंती को बचाने जा रहे हैं। बसंती भी तो एक करेक्टर था ना शोले फिल्म जी। अब ये गड़बड़ हो रही है, अब बसंती कौन है ये, बहरहाल ये ऐसा ये कोई गड़बड़ है, सब मिलके चाह रहे हैं कि बसंती कभी इधर से घोड़े पे निकल जाए, कभी इधर घोड़े से निकल जाए, ये गड़बड़ हो गई सारी कहानी। पता नहीं क्या है वो बसंती जो है ना बसंती फंस जाती है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि गब्बर सिंह भी बसंती को बचाने चाह रहे हैं, तो हीरो भी बचाना चाह रहे हैं, तो ये भी ये बारह इसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये चूंकि वो है ना वो गॉडफादर आ गई तो फिर दिमाग में छोड़ आ गई। बारह छोड़े।